सभी का स्वागत है। आज विभाग के तरफ से बिहार में, पूरे बिहार में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी के से संबंधित कुछ बात निम्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। इसमें सभी लोग जो अभिभावक आए हैं वो ध्यान देंगे कि आप विद्यालय में आपके बच्चे जो यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, क्या वो बच्चे यहाँ पढ़ के जा रहे हैं या और भी चीजें जो गतिविधि होती है, बच्चे कुछ सीख पा रहे हैं, बच्चे के दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सभी चीजें वो आप लोग अपने विद्यालय में, आपके गांव का विद्यालय है, यहाँ देखेंगे और यहाँ भ्रमण करके ये बताएंगे कि हाँ विद्यालय में कुछ पहले से परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले आज हम लोग सबसे पहले अपना परिचय देंगे। मैं आप लोगों को जैसे जानकारी होगा आप पहले से आप परिचित भी होंगे, मैं आपके विद्यालय में पहला से पांचवी कक्षा के लिए उर्दू शिक्षक के रूप में बहाली मिली हुई थी। बच्चे सभी सभी पढ़ते हैं हमसे, तो ज्यादातर गणित विषय पढ़ना पसंद करते हैं, तो हमें विषय पढ़ाते बच्चों को। और भी मेरे विद्यालय में शिक्षक है, एक सुश्री चिकी कुमारी जो आज नहीं है, हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं श्रीमती प्रतिमा कुमारी जो आपके बीच में है। सभी लोग आपके पहले से परिचित हैं और आप हम भी चाहेंगे कि आप लोग अपना अपना परिचय अपने बच्चों के माध्यम से देंगे कि आपके बच्चा बताएंगे कि आपका बच्चा कौन यहाँ पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उससे पहले परिचित कराएंगे। ये संगोष्ठी का ये पहला जो बिंदु है, ये है परिचय का, जो हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय देंगे कि आपका कौन बच्चा पढ़ रहा है विद्यालय में, क्या नाम है, किस वर्ग में पढ़ रहा है, इसकी जानकारी आपको गणित में होनी चाहिए। सूरज की किरण नाज करे ऐसी परवाज दे ऐ मालिक की, गगन नाज करे वो नजर दे की करो कदर हर एक मजहब की, मुझको वो मोहब्बत दे मुझे अमन जमन नाज करे, मेरी सिंगम आएगा, सिंगम सामने आएगा, सिंगम आएगा सामने, बाकी सब बच्चा यहाँ से हटेगा और पहला बच्चा यहाँ पर आएगा, सिंगम कराएगा, सिंगम को देखिए करना है, देखिए आपका बच्चा विद्यालय आता है क्या क्या सीखा है, इसका प्रदर्शन वो कर देगा, बता देगा, करेगा अभी बता देगा। अभी आप लोग देखेंगे आप ही के गांव का बच्चा है जिसका नाम है सिंगम, ठीक है, बाकी बच्चे जगह छोड़ देंगे, इस साइड छट जाएगी जरा पहला के माध्यम से भी कैसे
हम लोग ठीक है, 25 पर छोड़ देंगे। आज जाना आ जा। इस प्रस्तुति का ये उद्देश्य है, ये बताया जा रहा है कि बच्चों को दिशा का ज्ञान हो रहा है। इससे बच्चों को दाहिना किधर है, बायां किधर है, दाहिना हाथ कौन है, बायां हाथ कौन है, ये सब चीजें बच्चों को सिखाया जा रहा है। बच्चे इस गतिविधि को करके वो दाहिना पैर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बायां पैर कौन है, दाहिना हाथ कौन है, बायां हाथ कौन है, ये सब चीज बच्चे गतिविधि के माध्यम से सीख रहे हैं। एक छोटी सी प्रस्तुति थी, इसके अलावा बच्चे बहुत सारे प्रस्तुति डेली प्रतिदिन विद्यालय में मैडम के द्वारा कराया जाता है। बच्चे लोग के साथ में बच्चे लोग प्रतिदिन सीख रहे हैं। ये एक छोटी सी प्रदर्शनी थी आप लोग को दिखाने की, उम्मीद है कि आप लोग देखे हो, ये आप लोग को लगा हुआ आप विद्यालय में आकर के सीख रहा है। अब आप इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे बाल संसद और मीना मन विद्यालय में बच्चों के अंदर कैसे विकसित करें। इसलिए सरकार के तरफ से प्रत्येक सरकारी विद्यालय बाल संसद का गठन किया गया है। बाल संसद में हम अपने यहाँ भी विद्यालय में जो गांव का विद्यालय है भाग दो, इस विद्यालय में भी बाल संसद का गठन किया जा चुका है। इस सत्र के लिए बाल संसद का जो गठन किया गया था, इस सत्र में प्रधानमंत्री जो अपने विद्यालय का है वह उद्धव प्रताप है। उद्धव प्रताप प्रधानमंत्री है और इसके अलावा विद्यालय में और भी मंत्रालय जो है सभी बच्चों को सौंपा गया है, जिनके अलग अलग कार्य सौंपे गए हैं। अलग अलग कार्य सौंपा गया, अलग अलग जिम्मेदारी सौंपा गया। इस विद्यालय में विद्यालय के सुशासित ढंग से चलने के लिए, बच्चे लोगों को सुशासन में रखने के लिए विद्यालय के अंदर प्रतिदिन सभी बच्चों को अलग अलग तरह से उसके कार्य को बांटा गया है। इसके लिए बाल संसद का समिति बनाया गया है। इसमें प्रधानमंत्री जो है वह उद्धव प्रताप कक्षा 8वीं के बच्चे हैं। उद्धव प्रताप उपस्थित नहीं यहाँ पर, लेकिन उसको प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो प्रधानमंत्री, उसका कार्य जिम्मेदारी सौंपा गया है विद्यालय का देख रेख करना। इसके अलावा विद्यालय में गतिविधि जितना भी हो उसमें सही ढंग से सुचारू रूप से कराने के लिए विद्यालय में सही समय पर घंटी लगे, पढ़ाई सही समय पर हो, विद्यालय में मध्याह्न भोजन चलता है, खाना उसमें गड़बड़ी न हो, या ये सब चीज कमी को देखना और उसको शिक्षकों से अपने कह करके या जब भी बाल संसद की मीटिंग हो उसमें इस बात को रखना। इसके अलावा रीति कुमारी को बनाया गया और उप प्रधानमंत्री बनाया गया। रीति कुमारी खड़ी हो गई, यही रीति कुमारी है आपके विद्यालय की जो चल रहा है गाँव के विद्यालय में, इसमें ये उप प्रधानमंत्री है। इसका भी अपना कार्य दायित्व सौंपा गया है, ये भी अपने कार्य को बहुत बेहतर ढंग से निर्वहन कर रही है। खड़ी देखते नीरज कुमार शिक्षा मंत्री है। नीरज कुमार है, ये कक्षा 6 में रोल नंबर 4 है इसका, यह शिक्षा मंत्री। इसका कार्य है विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, कैसे शिक्षा व्यवस्था स्कूल में विधि व्यवस्था सही रहे, प्रत्येक घंटे की कक्षा चले और प्रत्येक दिन समय पर क्लास लगे, बच्चों की पढ़ाई समय पर हो और किताब जो सिलेबस है बच्चे लोगों की क्या वो समय पर खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी देख रेख करना नीरज कुमार का काम है। इसका सहयोगी उप शिक्षा मंत्री जो कि नाजिया परवीन है, नाजिया आई है नहीं सर, नाजिया नहीं, उसके सहयोगी है जो उप शिक्षा मंत्री है, जो जहाँ अगर नीरज नहीं आए उस जगह पर नाजिया परवीन काम करती है विद्यालय में, देख रही है काम करती है शिक्षा मंत्री हो गई। शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार नीरज और साजिया परवीन को सौंपा गया, नाजिया परवीन को। इसके बाद है मनीषा कुमारी क्लास 7 रोल नंबर 8, स्वास्थ्य एवं स्वच्छ एवं स्वच्छता मंत्री है, स्वास्थ्य स्वच्छता मंत्री। इसमें विद्यालय परिसर में सफाई करवाना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे लोग खाते हैं उसमें गंदगी होता है जो लग जाता है, गुठा होता है, उसमें झाड़ू लगवाना, या विद्यालय परिसर के अंदर कूड़ा कचरा जो भी हो, या चापाकल के पास पानी का जल जमाव हो जाए, या जंगल अगर है विद्यालय के चार दीवारी के आसपास में, चार दीवारी तो नहीं है लेकिन फिर भी अगल बगल में अगर कहीं भी जंगल है
तो उसकी साफ सफाई अपने सहयोगी अंकित कुमार जो छठा सातवा क्लास में है उससे सहयोग लेकर के विद्यालय में साफ सुथरा बना करके विद्यालय को हमेशा साफ सुथरा रखने का कार्यभार इसको सौंपा गया है। इसको और अंकित कुमार को ये अपने काम को अच्छे ढंग से अभी तक निभा रहे हैं। आगे है राखी कुमारी क्लास सिक्स रोल नंबर वन। ये है जल एवं कृषि मंत्री विद्यालय में। अनावश्यक रूप से कहीं भी अगर जल जमाव हो जाए, बारिश के समय है और गड्ढा कहीं पर है और बारिश में जल जमाव हो गया है, यह चापाकल की पानी जो है वो सही नहीं है, या चापाकल पर अनावश्यक रूप से पानी जमा हुआ है, या विद्यालय परिसर में बच्चों को पानी पीने के लिए सही नहीं मिल पा रहा है, ये सब सूचना देने के लिए जल एवं कृषि मंत्री बनाया गया है राखी कुमारी को। इसके सहयोगी उप जल एवं कृषि मंत्री जो है मणिकेश कुमार है क्लास सिक्स का, है उपस्थित नहीं है? नहीं सर। उसको बनाया गया है। ये अपने दायित्व को बहुत बेहतर ढंग से अभी तक निर्वहन कर रहे हैं। ये मंत्री हैं जो अपने कार्य को सही ढंग से पूर्ण कर रहे हैं। इसके अलावा पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्रालय पीपी राज को खोला गया है। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री का कार्य ये है। पुस्तकालय विद्यालय में है, आप लोग देखे हुएगा कि बच्चों लोग को सरकार की तरफ से प्रत्येक साल या तो पुस्तक मिलता है या पुस्तक के बदले उसकी राशि दी जाती है। अभी तक अभी आप लोग के बच्चों के खाता में पैसा आया है पुस्तकालय का, पुस्तक के लिए पैसा आया है, लेकिन ये कमी देखा गया है जितने बच्चे का अकाउंट पर पैसा गया एक भी बच्चा किताब नहीं खरीदा है। इसमें कहीं ना कहीं विद्यालय की तरफ से पूरा जोर शोर से कहा गया कि अपने बच्चों को किताब खरीदिए, पुस्तक खरीदिए, उसका पैसा जो गया है वो पुस्तक का पैसा है, लेकिन पुस्तक बच्चों लोग के पास में अभी भी नहीं है जबकि पैसा जा चुका है। तो सिलेबस अभी तक अक्टूबर का महीना चल रहा है, मार्च में लोग का फाइनल एग्जाम होता है, तो अगर आप लोग ध्यान देंगे इस पर पैसा सभी बच्चे के अकाउंट पर गया है और किसी कारणवश किसी बच्चे का पैसा अगर नहीं गया है तो भी आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर जागरूक है तो अपने बच्चों के लिए किताब जरूर खरीदे और किताब लेकर ही बच्चों को विद्यालय भेजे। और ड्रेस में भी ड्रेस के लिए पैसा जाता है, सरकार भेजती है पैसा, तो बच्चों को ड्रेस के साथ और पुस्तक के साथ विद्यालय भेजे ताकि आपका बच्चा लगे कि विद्यालय में आया है, तो सभी बच्चे एक ड्रेस में हो और पुस्तक रहेगा तभी बच्चे को होमवर्क मिलेगा, तो बच्चे होमवर्क कर पाएंगे और बच्चे अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से कर पाएंगे। तो उम्मीद है आज की संगोष्ठी जो अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी हो रही है इसमें जो आपको बताया जा रहा है कि अपने बच्चों को किताब जरूर से जरूर दें और ड्रेस में भेजे विद्यालय, तो आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। इसके अलावा हम चर्चा कर रहे थे बाल संसद पर। बाल संसद में पुस्तकालय की बात कर रहे थे। पुस्तकालय मंत्रालय जो है वो पृथ्वीराज और रिया कुमारी इसको पुस्तकालय और विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। ये सहयोग रिया कुमारी सहयोगी के रूप में है जो कि पृथ्वीराज के साथ लेकर के विद्यालय में पुस्तकालय का बच्चों के बीच में कैसे पुस्तक को दिया जाए, उसको कैसे लिया जाए, ये पूरा जिम्मेवारी जो है पृथ्वीराज और रिया कुमारी को है। बच्चे को जो शैक्षिक किताब दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए सरकार की तरफ से किताब मिलती है या फिर बच्चे खरीदते हैं मार्केट से, अभी तक तो पैसा जा रहा था लेकिन अब हो सकता है किताब अब बच्चे को डायरेक्ट मिले, क्योंकि सर ऐसा लग रहा है विभाग को कि गार्जियन जागरूक नहीं है, किताब बच्चों को खरीद कर नहीं दे रहे हैं। अब इस पर विचार हो रहा है कि बच्चों को फिर से पुनः हाथ में किताब दिया जाए ताकि बच्चे किताब अगर रहेंगे तो बच्चे किताब लेकर के आएंगे, क्योंकि पैसा देने से बच्चे किताब नहीं खरीद रहे हैं, पैसा का कहीं और जगह यूज हो जाता है, हो सकता है आने वाले समय में ये चीज चेंजिंग होगा, अब बच्चों को किताब हाथ नहीं मिले। तो हम लोग पुस्तकालय की बात कर रहे थे। पुस्तकालय में ये है कि जो कक्षा में किताब तो है पढ़ने के लिए, इसके अलावा बच्चों को रोचक ढंग से कहानी किताब कविता या और भी चीजों खेल संबंधी जानकारी या महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यालय में पुस्तकालय बनाया गया है और इसमें आप लोग के बीच में रखा गया है बहुत सारे पुस्तक रखा गया है, ये सिर्फ बच्चों को देने के लिए ही है। बच्चे इसको अपने सुविधा के अनुसार अपने रुचि के अनुसार अपने घर ले जाएंगे, उसको पढ़ेंगे और स्वस्थ में जब वो जिस डेट में लेंगे उस डेट में जो जमा करने की तिथि आएगी तो उस डेट में जमा भी कर देंगे। इसके लिए पुस्तकालय पंजी बनाया गया है, बच्चे लोग को पुस्तक लेना है
शिक्षा को वापस कर देना है। तो सभी बच्चे अगर जिन बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट होगा कहानी में, तो कहानी किताब लेके पढ़ सकते हैं, कविता की किताब पढ़ने की इच्छा हो तो कविता का ले सकते हैं, पर्यटन विभाग का, वन विभाग का, यानी अन्य किसी भी चीज का किताब पढ़ना हो, आपके विद्यालय में सभी तरह के पुस्तक उपलब्ध है, सरकार द्वारा सभी तरह की पुस्तक दी गई है। आप जब चाहे विद्यालय में आकर विद्यालय से अपना रोल नंबर क्लास लिखवा करके पुस्तक लेते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किताब ले गए हैं और पढ़े भी हैं, वापस भी किए हैं, ऐसे बच्चे हैं जो जागरूक बच्चे हैं वो लेते हैं। उम्मीद है आगे से आप भी बच्चे लेंगे और गार्जियन भी अपने बच्चों को कहेंगे कि विद्यालय से पुस्तक लीजिए और पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, अब ये पुस्तकालय की बात हो गई। आपके विद्यालय में खेल समाधि भी सरकार की तरफ से प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और बच्चे लोग को विद्यालय में प्रत्येक दिन चेतना सत्र से पहले और चेतना सत्र के बाद क्लास चलती है, उस पर टिफिन होती है, बच्चे खाना खाते हैं, मध्याह्न भोजन से खाना आता है, खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर खेलने के लिए समय दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि खेलने के लिए सिर्फ छोड़ दिया जाता है, बच्चों को खेलने के लिए उसके सामान दिया जाता है। विद्यालय में आप देख सकते हैं प्रदर्शनी लगाया गया है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, टेनिस बॉल है, क्रिकेट बैट है, यानी अन्य तरह के सभी किट जो होता है खेल सामग्री किट आपके विद्यालय में मौजूद है। सभी बच्चे विद्यालय में आकर के ये खेल किट का उपयोग करके अपने डेली कुछ न कुछ विद्यालय से सीख करके जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कबड्डी और भी जो खेल होता है विद्यालय में कराया जा रहा है, नियम स्वरूप जो है सभी खेल कराए जाते हैं विद्यालय में। विद्यालय में खेल से संबंधित और भी चीजें हैं जो भी रखा गया है, आप देख सकते हैं विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए ड्रेस का भी प्रबंध किया गया है, सरकार की तरफ से बच्चों को खेलने के लिए ड्रेस भी दिया गया। हम लोग सब ड्रेस दिखाए बच्चों का, ड्रेस दिखाओ, ड्रेस ड्रेस ऊपर वाला ब्लू कलर का, हाँ ये सभी बच्चों के लिए ड्रेस दिया गया है ताकि जिसमें बच्चे खेलेंगे उस समय पहन कर दिखा दे रहा है मुरसर, अपने विद्यालय के बच्चा दिखा रहा है आपको ये ड्रेस है, ये पहन कर बच्चा खेलता है विद्यालय में। तो सारा व्यवस्था आपके विद्यालय में इस सरकारी स्कूल में बहुत बेहतर ढंग से आपके बच्चों के लिए सारा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है। तो आप अपने बच्चों को विद्यालय प्रतिदिन भेजे और चेक करें और चेक करें क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है, बच्चे यहाँ पर कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, बच्चे में कुछ पहले से परिवर्तन है या नहीं है, बच्चे अनुशासित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन सभी चीजों पर आप लोग जरूर गौर करें। अभी आप लोग को जैसे पता होगा अभी अर्धवार्षिक परीक्षा आप लोग के बीच से संपन्न हुआ है, सभी गार्जियन को भी पता होगा कि अभी अर्धवार्षिक यानी कि छमाही परीक्षा जो है आपके बच्चे का विद्यालय में कंप्लीट हुआ है, सभी बच्चों ने बहुत बेहतरीन ढंग से परीक्षा को दिया है, संपन्न हो चुका है। अभी मूल्यांकन समय चल रहा है, बच्चे का अच्छे ढंग से जो प्रोग्रेस हुआ है उसका मूल्यांकन जो है हो रहा है। इसके अलावा आप लोग आज विद्यालय में आए हैं और ये सभी चीजें आज शिक्षक अभिभावक कमजोरी का आयोजन विद्यालय में किया गया है। आप लोग उम्मीद है इससे कुछ बहुत कुछ जानकारी आपको विद्यालय का मिला होगा। आप लोग देखिएगा अपने विद्यालय के प्रांगण में घूम करके, कक्षा में घूम करके आप विद्यालय का भ्रमण भी कीजिए, विद्यालय में कहाँ कमी है, कहाँ व्यवस्था और बेहतर ढंग से किया जा सकता है, इसके लिए आप लोग सुझाव भी दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कमी है, आप अपने सुझाव को दीजिए, आपका सुझाव बहुत मूल्यवान होगा, इससे बहुत चीज होगा, हम लोग को पता नहीं होगा, उन सभी चीज पर भी गौर किया जाएगा। और इस तरह से हम चाहेंगे कि आज शिक्षक